हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आपको हमने पार्ट वन में इसका कटिंग बताया है और पार्ट वन के वीडियो में आपको इसका कटिंग और कॉइल किस तरह से निकालते हैं वो भी आपको हम पार्ट वन में बताएं, और पार्ट टू में हम आपको पार्ट दो में आपको पेपर लगाना बताएंगे। तो देखिए, इस तरह से पेपर को आपको साइज निकालना है, इस पेपर से इसको साइज इस तरह से निकाल लेना है। देखिए, सबसे पहले आपको इसके साइज से एक पेपर काट लेना है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं, इस तरह से पेपर को काट लेना, हल्का इस और हल्का इस साइड में निकला हुआ है। अब इसी के नाप से हमको 24 स्लॉट का है, 24 पेपर इसी के नाप से हमको काट लेना है। तो इसी के नाप से आपको 24 पेपर काट लेना है। इस तरह से देखिए, हमने एक पट्टी इस तरह से काट लिया था और इसी के नाप से आपको 24 पेपर कट कर लेना है। तो इस तरह से आपको 24 पेपर कट कर लेना है। देखिए, ऑलरेडी हमने कुछ पेपर काट लिए थे और इस तरह से आपको 24 पेपर कट कर लेना है। देखिए, इस तरह से आपको पेपर कट कर लेना है। और इसके बाद में इन पेपरों को लगाने के लिए सबसे पहले आपको इस पेपर को हल्का हल्का मोड़ना है। देखिए, इस तरह से हाथों से हल्का इस तरह और हल्का इस तरह, देखिए इस तरह से मोड़ लेना है। इसके बाद कैंची से इसको नीचे के साइड में इस तरह से दाब देना है। इस तरह से दाब देना है और इसके बाद में आपको पेपर लगाना है। आपका पेपर बिगुलाई की तरह से सही से लगाने के लिए आपको पेचकस ले लेना है किसी से, आपको इससे। देखिए दोस्तों, इस तरह से, और इसके बाद में आपको लगा देना है। देखिए, हमारा पेपर इस तरह से लग चुका और इसी तरह से बाकी के आपको लगा लेना है। क्योंकि दोस्तों, एक पेपर हमने आपको लगा के बता दिया है, इसी तरह से बाकी के इन सभी पेपरों को आपको लगाना है। तो चलिए, इसी तरह से सब पेपरों को लगाते हैं और वीडियो का स्पीड थोड़ा तेज कर देते हैं। और सभी पेपरों को लगाने के बाद में इसका हम बाइंडिंग करेंगे, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते चलेंगे। इस तरह से बाकी के इन सभी पेपरों को आपको लगा देना है। देखिए, इस तरह से इसी तरह से आपको पेपर को लगा देना है। आप देख पा रहे हैं क्या, गुलाई के साथ में क्या अच्छे से ये लग रहा है। इसी तरह से आपको बाकी के इन सभी पेपरों को लगा लेना है, और लगाने के बाद में इसका बाइंडिंग करेंगे, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे और बाइंडिंग डाटा बताएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को हमारे लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। देखिए, इसको भी इसी तरह से लगा लेना। देखिए क्या फिनिशिंग के साथ हमारा पेपर लग रहा है, और आपको पेपर लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से आप पेपर को लगाइएगा। तो अब देख पा रहे दोस्तों, ये हमारा चार पेपर इसमें लग चुका है, बाकी के इन सभी पेपरों को लगा देते हैं। तो चलिए, इन सभी पेपरों को लगा लेते हैं, इसके बाद में बाइंडिंग डाटा आपको बता देंगे।
देखिए दोस्तों किस तरह से हमारा सभी पेपर लग चुका है। इसी तरह से दोस्तों आप भी पेपर को लगाइए, देखिए क्या फिनिशिंग के साथ और क्या बेस्ट पेपर लगा हुआ है। इस साइड में भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी पेपर को लगाइएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो देते रहूँगा। इस मोटर का सभी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगा, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, इस तरह से इसका वीडियो हम बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको देते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों एक ही वीडियो में सभी जानकारी बताएंगे तो वीडियो एक घंटा का बन जाएगा, एक दो घंटा का, तो आपको उतना टाइम नहीं रहेगा देखने के लिए। इसलिए वीडियो हम 10 मिनट का ही बनाएंगे और इस तरह से पार्ट वन पार्ट टू करके बनाएंगे ताकि आपको सभी जानकारी मिल सके। तो इस तरह से आप इसका पेपर लगा सकते हैं। इसके बाद में हम आपको इसका स्टंपिंग बता देते हैं। तो दोस्तों इसका स्टंपिंग का साइज ये 5 सेंटीमीटर है। इस तरह से स्केल से नाप लेना है आपको, इस तरह से ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, आप देख पा रहे हैं। और इस गुलाई की बात करें दोस्तों तो ये गुलाई भी हमारी 5 सेंटीमीटर है। और इसी तरह से इस पूरे बॉडी की बात करें दोस्तों तो ये बॉडी हमारी इस तरह से 13 सेंटीमीटर ये बॉडी हमारी है। तो इस तरह से इसका सभी जानकारी हो गया है। अब इसको हम बाइंडिंग करेंगे और बाइंडिंग करने के बाद में इसका कनेक्शन करेंगे, सिलाई करेंगे, वो भी आपको सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप मिलता रहेगा। तो इसका सभी जानकारी हमने आपको बता दिया। इसमें कंडेंसर दोस्तों 10 मिनट लगागा और ये 2800 RPM में है कंडेंसर, इसमें 10 UPD का लगेगा। और देखिए आप ये सोनी माइनस बी कंपनी का मोटर है, मोनोब्लॉक पंप। तो इस बॉडी पे इसका सारा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं इस तरह से। तो ये हमारा सोनी माइनस बी का मोटर है, मोनोब्लॉक सेट, 2800 RPM में है। तो इस तरह से हमने इसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको बता दिए हैं। अब अगली वीडियो में हम इसको बाइंडिंग करना आपको बताएंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए इस वीडियो में नहीं बताएंगे। इसमें आपको हमने पेपर लगाना बता दिया, इसका स्टंपिंग साइज बता दिया है, और अगली वीडियो में आपको इसका क्वाइल डालना बताएंगे और क्वाइल किस तरह से बनता है वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो ये हमारा पार्ट दो का वीडियो है और अगली वीडियो पार्ट तीन का आएगा, उसमें हमने आपको क्वाइल बनाना और बाइंडिंग करना बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको पार्ट तीन में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।